आप सबका स्वागत है न्यूज लाइन कोलकाता में। मैं निखत हसन इस वक्त उपस्थित हूँ एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप पे जो कि जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के ओर से की जा रही है। इसकी फाउंडर है जुलकार नैन, जिनके माध्यम से आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप की जा रही है। इस डोनेशन कैंप में लगभग 150 लोग अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ब्लड डोनेट हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डोनेट है, जो रक्त का हाहाकार मचा हुआ पूरे देश में। तो ये एक रक्तदान से लोग की कितने काम आ सकती है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो आगे की अपडेट देंगे हम अपने चैनल के माध्यम से। तमाम जो भी मेरे न्यूज चैनल वाले मीडिया भाई हैं, प्रिंट मीडिया हैं, पेपर वाले हैं, सभी को मेरे तरफ से और जज्बा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, जो आप लोग इतने बारिश के मौसम में भी भींग करके हमारा साथ दिया। मैं तहे दिल से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो हमारे मोटामोटी 10-15 जन और बाकी আছে, 135 জন হয়ে গেছে, 150 হলে আমাদের কাজ শেষ। আমরা এবার টার্গেট নিয়েছি 150। এই যে বৃষ্টির দিনে 150 জন লোক হয়েছে, কি বলবে? দেখুন মানুষের চাইতা আছে, মানুষকে মানুষ ভালোবাসে, বৃষ্টিতে মানুষ দিয়ে এসে রক্ত দিয়েছে। যারা যারা রক্ত দিয়েছেন আমার জজবা তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে, আমার জজবার মেম্বার তরফ থেকে, সবার থেকে, যারা ভাইরা বোনেরা রক্ত দিয়েছেন, মায়েরা পিসিরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো। আমরা প্রত্যেক বছরে করি, আগে বছর এই মাসে করেছিলাম, 20 তারিখ করেছিলাম, এবার 18 তারিখ দুদিন পিছিয়ে করেছি। যেহেতু আমাদের আগেবার 103 হয়েছিল, কার্ডটা শেষ হয়ে গেছে, ওই জন্য আমরা দুদিন এগিয়ে করে দিয়েছি। ও লোক কহেঙ্গে কি ও লোক সবসে বড় কাম কি হ্যাঁ, হামারা তো কাম হ্যাঁ সিস্টেম কো সাজানা, আমার মেন কাম তো ও লোক কি হ্যাঁ জো আপনা ব্লাড কো দান কি হ্যাঁ। মে উন সবো কো আপনে তহে দিল সে শুকরিয়া আদা করতা হুঁ। জুলকার সাহেব, দেখা যাতা হ্যায় আবি কে ইয়ুথ মে ভি কাফি লোক এসে হ্যায় জো রক্ত দান করনে মে কতরাতে হ্যায়, তো ওয়েসে লোগো কে লিয়ে কাতে ক্যা কহেঙ্গে? देखिए ये रक्तदान में कतराना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को ये एक दूसरे को एक दूसरे में खून जाता है, और हम लोग नौजवान लोग यंग लोग युवा लोग नहीं देंगे तो कौन खून देंगे? तो इसमें लोगों को जुड़ना चाहिए और ऐसे काम पे लोगों को बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये रक्तदान कितने साल से होगा? हमें कायम हुआ है, हम लोग डॉक्टर दवा स्कूल ये सारा काम करते हैं, और हम लोग ये रक्तदान दो बार से कर रहे हैं। नहीं हुआ था इस वक्त है, कोई लोग अगर आते हैं कि हमारे फादर हॉस्पिटल में है, हमको दो डोनर लगेगा, तो हम लोग जज्बा के लोग जा करके भी वहाँ पे रक्तदान करते हैं। जुलकर साहब, ये जज्बा के लोग किस किस इलाके में काम कर रही है? क्या सिर्फ 55 ग्राम के लोगों के लिए उपलब्ध है या बात बाकी पूरे शहर कोलकाता के लिए? नहीं, हम लोग कोलकाता शहर पूरे शहर कोलकाता में काम किए हैं। आप जज्बा के फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप पे देखिएगा, हम लोग कोलकाता में दूर दूर में काम किए, जब हम पान आया तो वहाँ भी काम किए, बिहार में समस्तीपुर एक जगह है वहाँ सैलाब आया था वहाँ भी हम लोगों ने जाकर के काम किए है, और उड़ीसा एक जगह हम लोग वहां भी काम किए। तो जज्बा जहाँ पे जो हम लोगों को फोन करता है या फेसबुक पे ये करता है मैसेज आता है, तो हम लोग का आदमी वहां जाकर के काम को अंजाम देता है। जज्बा फाउंडेशन के सदर जुलकर भाई ने बहुत जाबाजी का काम किया है, क्योंकि आज ब्लड डोनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और रिकरिंग ब्लड डोनेशन होता क्या है, किसी किसी समाज में एक साथ एक ही महीने में ब्लड डोनेशन होता है, जुलकर भाई क्या है हर 3-4 महीने के ब्रेकेज में जो रिकरिंग करते हैं, इससे स्टोरेज में भी बहुत आसानी पैदा होती है। और थैलेसेमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको सिवाय ब्लड डोनेशन के दूसरी कोई इलाज नहीं है जो उनको बचा सके, तो इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने समाज के लिए अपना टाइम किल करके समाज के लिए जो अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इनके और इनकी पूरी टीम को मेरा सलाम मेरा नमन है, और जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है इतनी भारी बारिश में भी उनको भी मेरा सलाम मेरा नमन। जज्बा फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी और इसके कर्णधार जुलकर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत मुबारकबाद जानना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम इतने अच्छे जज्बे के साथ
मेघ जज्बा था बोलकर ये हुआ, बिकॉज के आज का जो माहौल है कलकत्ता में और पूरे बंगाल में जो बारिश की जो फोरकास्ट भी है, चारों तरफ बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, उस बीच में भी बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो यही लगा था कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा, लेकिन जा रहे हैं, जज्बा फाउंडेशन वालों ने बुलाया, एक बार मिल के जरूर आएंगे। मगर आकर यहाँ देख रहे हैं कि वैसे ही लोगों की भीड़, वैसे ही लोग खून हत्या कर रहे हैं। तो इस जज्बे को, लोगों के इस जज्बे को सलाम करता हूँ और इनके जुल्कर भाई के जज्बे को भी सलाम करता हूँ कि इस भारी बारिश के मौसम में भी उन्होंने अपनी जो हिम्मत को खोया नहीं और कामयाब रखा। और माशाल्लाह 100 से ज्यादा लोगों ने खून दे दिया है, और जैसा कि मुझे अभी पता चला कि कम से कम 150 लोगों का ये पूरा होगा। तो आप खुद सोचिए कि सलाम क्यों ना किया जाए इनके जज्बे को कि इस भारी बारिश में भी इतने लोग आके जमे हुए हैं। ये एक अच्छे सोशल वर्कर की ही निशानी है, जो वक्त पड़े तो लोगों के पास जब रहता होगा, तभी इस वक्त भी इनके पास वो लोग यहाँ आके खड़े हुए हैं। जज्बे फाउंडेशन से जुड़ी भी नहीं हो, आज फर्स्ट है, बट इन लोग बहुत हेल्प करते हैं जुल्कर भाई, और जुल्कर भाई ऐसे बहुत ही ऐसा है जैसे कि आपका गरीबों की मदद करना और कुछ भी परेशानी हो, शादी हुई, बीमारी है, कुछ भी एनीथिंग प्रॉब्लम अगर जो होती है वो हेल्प करते हैं ये सब चीज लेकर। और हमें मालूम ही है जज्बे फाउंडेशन का लेकर, जिन्होंने, मैंने भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट को लाए हैं जिनका हेल्प उन्होंने बहुत किया है। सब समय हमारे पास थकें, ব্লাড ডোনেশন শুরু হয়, উনি সবাই আপদে বিপদে, বিয়ে শাদি বিমারি সব কিছুতে উনি পাশে থাকেন, সব সময় উনি সবাই পাশে থাকেন, যার যত বিপদ আসে উনি পাশে দাঁড়ায়। স্টাফ কতদিন ধরে আপনি আর 1.5 বছর এখানে কি অনুভব করেন? এখানে খুব ভালো মানুষের সুযোগ সুবিধা, যে কোনো অনুষ্ঠান, এই যে আজকে একটা রক্তদান শিবির হচ্ছে, এই একটা মানুষের রক্ততে আর একটা মানুষের জীবন বাঁচে, এর থেকে বড় উপকারী জিনিস আর কি হতে পারে, সব থেকে তো ভালো জিনিস এটাই। আমি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে চাই এর জন্য, এই যে আজকের এত বড় অনুষ্ঠানটা করেছে দাদা, যে আজকের একটা মানুষ যে ব্লাড দিচ্ছে, এক ফোঁটা রক্তের জন্য মানুষ আজকের দুনিয়ায় হাহাকার করে বেড়ায়, ব্লাড পায় না। আমরাও তো কিছু কিছু সময় হসপিটালেও যাই, হসপিটাল থেকে দেখা যায় যে ব্লাড পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু আজকে যেটা করেছে এর জন্য তো অনেক কৃতজ্ঞ থাকা দরকার মানুষের, মানুষের পাশে থাকা দরকার মানুষ। আমি তো বলবো মানুষ সবসময় দাদার পাশে থাকুক, দাদা আরো এগিয়ে যাক, আমরা চাই দাদা আরো এগোক, সারা জীবন থাকবো, যতদিন বেঁচে থাকবো দাদা, যতদিন থাকবো ততদিন দাদার পাশে থাকবো। जो मौसम था वो देख कर आने से पहले ये यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतने लोग यहाँ ब्लड डोनेट कर चुके होंगे, मगर यहाँ आने के बाद में जैसा पता चला कि 100 से ज्यादा लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर चुका है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये जुल्कर भाई का प्यार है जो लोग यहाँ पर इस बारिश में भी यहाँ पर आके ब्लड डोनेट करते जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं जो टारगेट है वो 150 तक जाएगा। तो ऐसी बारिश में अगर 150 ब्लड डोनर अगर यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे बड़ी मतलब सक्सेस की बात नहीं हो सकती। जुल्कर भाई का जज्बा कितना आप अप्रिशिएट करेंगे? ये जज्बा तो आज का मौसम देखकर ही आप समझ सकते हैं कि इनका जज्बा इतना बुलंद है और लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो ये जज्बा इन्हीं का जज्बा है।